अभी हम मौजूद है रफीगंज प्रखंड के सुदूरी इलाका कर्मा गांव में, कर्मा पांडे गांव में। आज यहाँ चर्चा करेंगे, सरस्वती पूजा कल मनाई गई एवं भारत देश के दो दो महान पर्व, एक सरस्वती पूजा, एक गणतंत्र दिवस मनाई गई। और आज हम यहाँ उपस्थित हैं सरस्वती पूजा, सरस्वती माता के विसर्जन के रूप में, जिसे कहा जाता है विद्या के देवी सरस्वती माता। और कहा जाता है कि असम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सुरंती। जो विद्या की देवी माँ सरस्वती है, अगर वो उनसे विद्या नहीं प्राप्त करके लोग यहाँ छात्र लोग हैं, उनसे विद्या प्राप्त करना चाहिए और पूजा करते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए ही। आइए जानते हैं यहाँ के ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री सुरेंद्र यादव जी से कि आखिर वे यहाँ किस प्रकार से सरस्वती पूजा मनाएं। सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज में स्वागत है सर। हमने अपने विद्यालय 2003 से चला रहे हैं और मेरे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से अपने परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। और ये बच्चे जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा छात्रा हैं और इसमें हमारे गांव का और गांव के बगल का बच्चे हैं और उसमें जो है शिक्षा देने का मैं श्रेय लिया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितना अधिक से अधिक है हम बच्चों को सफलता दिलाने में सहमत हों और हर वर्ष हम परीक्षा दिलवाते हैं जिसमें हमारे बच्चा का प्रदर्शन बहुत अच्छे रहता है। और इसी के बदौलत पर हमने और इन बच्चों के बदौलत पर, बच्चे के जो परिश्रम है वो हमारे लिए बहुत अच्छा, बच्चों का परिश्रम दिखलाते हैं क्योंकि मैं तो अपना जो बनता है उतना देता हूँ। आप यह शिक्षण संस्थान ज्ञानोदय जो स्कूल या कॉलेज स्कूल खोला है, यह कब से आपने खोला है? 2003 से, 20 मार्च 2003 से हम चला रहे हैं और दसम वर्ग तक चलाते हैं। और इसमें जो भी असमर्थ भी बच्चे होते हैं उसको भी विशेष रूप से ध्यान देता हूँ और जो कमज़ोर पढ़ाई में हैं उनको मैंने दोहरा पढ़ाई देता हूँ, समय देता हूँ, यानी दो घंटा एक घंटा टाइम दे कर करके उस बच्चे को अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए उनको हम शिक्षा देने का काम करता हूँ। और आज सरस्वती माता का विसर्जन भी है, तो विसर्जन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि माँ सरस्वती पूजा का जो हमने कार्यक्रम किया बहुत अच्छा से किया और ये आज विसर्जन का समय है। हम बहुत शांति ढंग से बच्चों को सहमति से हम विसर्जन करेंगे और माँ जो हमारे बच्चों को ज्ञान देती है, इनकी प्रतिमाओं का अवलोकन करने के लिए बच्चों को मैं भी कहता हूँ कि माँ की प्रतिमा का अवलोकन करो, ये ज्ञान देने वाली माँ है और इनके बताए हुए ज्ञान की मार्ग से हम आगे चलेंगे और अधिक से अधिक अपना ज्ञान को प्राप्त करेंगे। एक सर ने कहा कि सरस्वती माँ विद्या देती है, तो सरस्वती माँ हर जगह पर देखेगा तो उनका चाहे प्रतिमा हो चाहे वह कहीं पिक्चर में देखे वो बैठे हुए रहते हैं, और लक्ष्मी माता जो है खड़े रहती है चाहे प्रतिमा में हो चाहे पिक्चर में हो। क्यों खड़े रहती है? क्योंकि जिसके यहाँ सरस्वती माँ का निवास हो जाता है उसके यहाँ लक्ष्मी माँ स्वयं चली आती है। तो सरस्वती माँ को प्राप्त करने के लिए विद्या को विद्या दाती पार्थत्वम जो है यह पूरा करने के लिए, सरस्वती माँ से विद्या प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा। सब लोग मेहनत करेंगे विद्या प्राप्त करने के लिए? सब लोग मेहनत करेंगे? आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में कब से यहाँ पढ़ रहे हैं आप? 8 से पढ़ते हैं। आपका यहाँ कौन सा कॉलेज में गया है? पता नहीं है। आपको पता नहीं है? और जानकारी लेंगे छात्रा लोग से कि आखिर आप लोग यहाँ कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? इंटर में। इंटर में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? बायो। कौन सा आप कॉलेज में एडमिशन लिए हैं? महिला कॉलेज में। कहाँ लिए हैं कॉलेज में? हसपुरा। और कौन सा सब्जेक्ट है? बायो। और यहाँ पर सर मौजूद है, संजय सिंह यादव कॉलेज का प्रोफेसर यहाँ पे संजय सिंह यादव मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी छात्र एवं छात्राएं 10th एवं 12th के जो छात्र परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हो, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज हम इस विद्यालय में आए हैं, यह गाँव के विद्यालय है और यहाँ हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी प्रधानाध्यापक हैं। और मैं खास करके के यहाँ के छात्रों से कहूँगा कि तुम लोग मेहनत करो, बिना मेहनत के मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए पढ़ाई में ध्यान दो और मन से पढ़ो और तभी मुकाम की हासिल कर सकते हो। जी धन्यवाद सर। और यहाँ पर मौजूद है रफीगंज तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस के डायरेक्टर दीपक कुमार जी, जो भी यहाँ 10th
पढ़कर जो बायोलॉजी लेना चाहेंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहेंगे, वे तिरंगा बायोलॉजी क्लास से दीपक कुमार से जरूर कंसल्ट करेंगे। वे डोमो क्लास करवाते हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आखिर 10th 12th के एग्ज़ाम कैसे दें कि वो पास हों, और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि जो भी बच्चा अगर मेहनत करता है जी, सबसे फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है दुश्मन होता है। सबसे पहले यही समझना चाहिए बच्चे लोगों को कि जो कोई भी एग्ज़ाम अगर है तो उसको दुश्मन की तरह प्रहार कीजिए ताकि वो क्रैक हो सके, समझ गए कि नहीं। तो अगर जो बच्चा 10 साल पढ़ा होगा जी जी, तो ज़रूर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो कि हम कैसे सवाल को डील कर सके कि ताकि हमें रिजल्ट आए। और बच्चे लोगों को एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आज का हमारा एग्ज़ाम खराब चला गया जी, तो ऑटोमेटिकली है कि उसे रिमाइंड करके अगला भी जो एग्ज़ाम है उसे भी ख़राब कर लेते हैं जी। हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, पिछला जो एग्ज़ाम कैसा गया उसको नहीं सोचना है, आगे क्या आने वाले है उसके बारे में सोचिए। रिज़ल्ट अपने आप सुधर जाएगा। और जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, आप तो इस इलाका को देख रहे हैं, लट्टा पंचायत है जी, और गोह विधानसभा का सबसे लास्ट बॉर्डर है, और सुदूर इलाका ही मानिए। शिक्षा की ज्योत जिस तरीके से सुरेंद्र सर ने 2003 से जलाने का काम कर रहे हैं, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि यहाँ से संजय सर हैं, और इन्होंने पूरा रफीगंज में नहीं बल्कि औरंगाबाद में एक अलग पहचान बना करके रखे हुए हैं कॉलेज के क्षेत्र में। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपको यहाँ कैसा लगा आप ही बताइए। जी, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा यह क्षेत्र में आकर। आप इन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आखिर इन लोग किस प्रकार 10th 12th पास करें, इसके बारे में आप विशेष जानकारी देंगे? हमारे विद्यालय के बच्चे समयानुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, परिश्रम करते हुए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सफलता प्राप्त करेंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और सर ने कहा कि जो मेहनत करेगा सो क्या होगा, जो मेहनत करेगा वही बढ़े। छात्र हैं उन लोग के आप लास्ट विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों को कि परिश्रम करें, और ये लोग जितना मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें, क्योंकि इन्हीं लोग अपना जैसे सरकार से जीवित रहने के लिए तो परिश्रम करना होगा, कुछ अपना प्रमाण पत्र को सफल लेना होगा, प्राप्त करना होगा। अब प्रमाण पत्र जब प्राप्त कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं तो फिर निष्फल हो जाएंगे। इसलिए मैं बच्चों को कहूँगा कि अधिक मेहनत करें और मेहनत के बल पर ही इन अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी 80% ओवर नंबर लाएगा, 10th हो चाहे 12th हो, उसे मैं स्पेशल इंटरव्यू लूँगा। और सर से एक विनती करूँगा कि आप भी कुछ यहाँ पर बता कर जाए कि जो 10th में और 12th में जो पास करें आखिर उनको क्या प्राइज के रूप में वितरण देंगे। देखिए, इसके लिए जो सबसे पहले तो मैं शिक्षा के बारे में लोगों को बताया जी, और अभी भी कह रहा हूँ कि शिक्षा वो ऐसा कुंजी है जी, चाबी है कि कितनों बड़ा ताला को खोल देगा जी जी। जिसके पास शिक्षा हो जाएगा तो कितनों बड़ा ताला लगा हुआ है वहाँ खोल देगा। और मैं ये कहता हूँ कि जो 80% छात्र छात्राएं जितने भी यहाँ हैं वो अगर लावेगा अगर नंबर इसमें, तो उसको मैं अपने तरफ से एक साइकिल दूंगा। जितने भी लड़कन है या लड़कियां हैं जो 80% नंबर लाएगा, मैं अभी बेरी में भी कहा हुई बात कि जो भी अगर पंचायत के लड़का लड़की लाएगा तो मैं अपने तरफ से साइकिल दूंगा उसको। सर ने कहा जो 80% नंबर लाएगा उसे क्या मिलेगा? तो आप लोग लाइएगा नंबर 80%। यहाँ पर सभी छात्र एवं छात्रा ने कहा कि मैं भी 80% लाऊंगा, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा और 10th एंड 12th में पास कर दिखाऊंगा और 80% नंबर लाऊंगा। बाकी यहाँ के सभी छात्र और छात्राओं के बारे में क्या सोचते हैं आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगले वीडियो तक बने रहें। सबसे पहले आपको परिवर्तन तक न्यूज़ में जुड़कर कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, और मुझे विश्वास है कि आप का जो चैनल ये कार्यक्रम कर रहा है, मैं सफलता के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ रहूँगा, और ये बहुत अच्छे हुआ हो। भाग की बात है कि हमारे ऐसे एकदम देहाती क्षेत्र में आप पधार गए, आपका बहुत स्वागत है मेरी तरफ से जी। और मैं विशेष क्या कहूँ आपको। और बाकी हम लोग का प्रयास और लड़कन लोग का जवाब कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। इतना ही कहकर वीडियो में बने रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।